हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी खातों को बंद करना और उनका शेष निकालना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विथ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहले जनरल में एंटर किया जाता है, फिर इन सभी ट्रांजेक्शन को की पोस्टिंग कहाँ की जाती है? लेजर में। इनसे रिलेटेड अकाउंट्स में क्या की जाती है? पोस्टिंग की जाती है। तो हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इन अकाउंट्स की क्या पोजिशन है, उसको क्या किया जाए, चेक किया जाए। तो इस पोजीशन को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स। सभी अकाउंट्स के क्या किए जाते हैं? टोटल किए जाते हैं और उनका क्या निकाला जाता है? बैलेंस निकाला जाता है। तो ऐसा किस तरह किया जाता है? तो हर अकाउंट के, क्योंकि हमें पता है दो साइड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो इन दोनों साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का क्या किया जाता है? पहले टोटल लगा लिया जाता है। डेबिट साइड के अमाउंट का भी टोटल कर दिया जाता है और क्रेडिट साइड के अमाउंट का भी टोटल निकाल दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कितनी अमाउंट का डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस अमाउंट है उसे किस साइड लिखा जाएगा? जो जिस साइड कम है, जिस साइड का बैलेंस कम है। यानी कि अगर डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो डिफरेंस अकाउंट को कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड लिखा जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो डिफरेंस अकाउंट को कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। जैसे डेबिट साइड अकाउंट का टोटल 1 लाख हो रहा है और क्रेडिट साइड के अकाउंट का टोटल 1,20,000 रुपए हो रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट को कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड लिख के और दोनों साइड को क्या कर दिया जाएगा? इक्वल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसे कहा जाता है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, खातों को का योग निकालना और उनका शेष निकालना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है तो इसे क्या बोला जाता है? डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट बोला जाता है। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो उसे क्या बोला जाएगा? क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो डिफरेंस अमाउंट को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड में। और अगले जो अवधि शुरू होगी उसके शुरू में क्या कर दिया जाएगा? डेबिट में टू बैलेंस बीडी करके उस डिफरेंट अमाउंट को लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है, यानी अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो डिफरेंस अमाउंट को डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा, है ना, टाइम पीरियड के एंड में। और अगले अवधि के शुरू में उसके क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी करके डिफरेंस अमाउंट लिखा जाएगा। जनरली ये टोटलिंग बिजनेस में मंथली, क्वार्टरली या ईयरली भी की जाती है, यानी कि हर महीने के आखिर में क्या किया जाएगा? सभी अकाउंट्स का टोटल किया जाएगा, उनके बैलेंसेस निकाले जाएंगे। अगर क्वार्टरली मेथड रखा जाता है तो हर क्वार्टर के एंड में अकाउंट्स का क्या किया जाएगा? टोटल निकाल के बैलेंस किए जाएंगे। और अगर ईयरली किया जाता है तो ईयरली सारे अकाउंट्स का टोटल करके बैलेंस निकाला जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो पर्सनल अकाउंट और रियल, आपको पता है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं ना, अकाउंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते, और नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाममात्र के खाते। तो जो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग की जाती है वो किन की जाती है? पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की जाती है, ठीक है ना। इनके ही बैलेंसेस निकाले जाते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनके बैलेंसेस नहीं निकाले जाते, उनकी अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर लिया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था से रिलेटेड होते हैं। और रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो कैश और बिजनेस की असेट्स से रिलेटेड होते हैं ना, नकद या संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट्स को क्या बोला जाता है? रियल अकाउंट बोला जाता है। और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो बिजनेस की इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, आय और व्यय से रिलेटेड होते हैं। तो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग किनकी की जाएगी? पर्सनल एंड रियल अकाउंट की जाएगी। और नॉमिनल
अकाउंट के जो टोटल है अमाउंट है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये हम जब आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। अच्छा, पर्सनल अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति हमारे क्या हैं, डेटर्स हैं, देनदार हैं, और डिफरेंस अमाउंट हमें उनसे लेना है। और दूसरी तरफ क्रेडिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि वो हमारे क्या हैं, क्रेडिटर हैं, और डिफरेंस अमाउंट हमें देना है उनको। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जिससे हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज किए, यानी कि माल उधार पे खरीदा है और ड्यू अमाउंट को हमने अभी तक पे नहीं किया है। और डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की है, माल उधार बेचा है और ड्यू अमाउंट जो है उन्होंने वो हमें नहीं दी है, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल से पर्सनल अकाउंट के टोटलिंग और बैलेंसिंग को समझते हैं। ये हमारे सामने एक पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, मोहन गारमेंट है। तो ये लेजर का एक अकाउंट बना हुआ है, कॉलम क्या है, डेट फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और ये मैंने थोड़ा सा स्पेस रफ वर्क के लिए छोड़ा है। तो हमको जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं कि अप्रैल 21 में 2 कैश अकाउंट है डेबिट साइड, अमाउंट है 7800, और इसी डेट को 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है 200 का, और अप्रैल 8 को है क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट 16000 है। ये हमको दिया हुआ है अकाउंट के कुछ अमाउंट। तो हमने पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना आ रहा है 16000, और डेबिट साइड का टोटल किया तो कितना आ रहा है 8000, यानी कि हमारी डिफरेंस अमाउंट कितनी है 8000। तो इस डिफरेंस अमाउंट को कहाँ लिखा जाएगा, जिस साइड का टोटल क्या है कम है, यानी कि डेबिट साइड लिख के और पहले क्या किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। ये कौन सी डेट को हुआ, इस मंथ के एंड में, है ना। यहाँ ये माना जा रहा है कि हर मंथ मंथली अकाउंट्स की पोजीशन को चेक किया जा रहा है। तो 30 अप्रैल को क्या लिखा जाएगा, बैलेंस अमाउंट से टू बैलेंस सीधी कितना 8000, है ना, टोटल बराबर हो गया, दोनों साइड का कितना हो गया, इधर का भी 16000 हो गया और इधर का भी कितना हो गया 16000 हो गया। अब इसी जो बैलेंसिंग अमाउंट है इसको क्या किया जाएगा, आगे ब्रॉड डाउन किया जाएगा, कौन सी रेट को, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई, है ना, मई फर्स्ट को क्या किया जाएगा, बाय बैलेंस वीडी अमाउंट कितना 8000, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, इसका कौन सा बैलेंस आ रहा है, इस ये माना जाएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और मोहन गारमेंट क्या है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, और हमें क्या करना है, इनको 8000 की अमाउंट क्या करनी है, चुकानी है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पर्सनल अकाउंट का। दूसरा अकाउंट देख लेते हैं, हीरो लिमिटेड का, ठीक है। हीरो लिमिटेड के अकाउंट में क्या डिटेल दी हुई है, अप्रैल 2024 को 18 डेट को क्या दिया हुआ है, डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट 27000, क्रेडिट साइड क्या दिया हुआ है 22 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट कितना 8850 रुपीज, और इसी डेट को बाय डिस्काउंट अलाउड कितना दिया है ₹150। तो ये हमको अकाउंट की डिटेल दी हुई है। अब हम टोटल कर लेते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल कितना है 27000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 9000। तो डिफरेंस अमाउंट हमारी कितनी आ रही है 18000 डिफरेंस अमाउंट आ रही है। डिफरेंस अमाउंट किस साइड लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो बाय बैलेंस सीधी करके कौन सी डेट को, वही मंथ एंड में 30 अप्रैल को जो डिफरेंस अमाउंट है 18000 वो लिख दी जाएगी, और टोटल इक्वल कर दिए जाएंगे कितने 27000, इधर भी 27000। ये तो हो गई टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है। अब इस बैलेंस को क्या किया जाएगा आगे, है ना, मई फर्स्ट को इसको आगे ले जाया जाएगा और क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस बीडी अमाउंट कितनी आ जाएगी 18000, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, इसको बोला जाएगा डेबिट बैलेंस ऑफ हीरो लिमिटेड अकाउंट, और ये क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है इसलिए ये हमारा क्या है, डेटर है, देनदार है,
है ना, ये हमें क्या 18,000 हमने चुकाएगा, और ये क्या है, हीरो मोहन गारमेंट क्या है, हमारा क्रेडिटर्स है, लेनदार है, और 8,000 रुपए की अमाउंट हमें चुकानी है इसको, ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आ गया, पर्सनल अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में हम कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट को भी समझते हैं कि इन अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाएगा और इनका बैलेंस कैसे निकाला जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल जो अकाउंट है वो क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण माना जाता है, जो व्यवसाय के अस्तित्व की जो अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि जो बिजनेस है उसका बिल्कुल एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, पृथक अस्तित्व है, और बिजनेसमैन से भी पृथक, उसका बिजनेसमैन से भी अलग एग्जिस्टेंस है। एक बिजनेस को और बिजनेसमैन दोनों को ही क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। तो बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे कहाँ दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, और इस कैपिटल अकाउंट को बिजनेस में एज क्रेडिटर्स की तरह से ट्रीट किया जाता है। मतलब ये जितनी पूंजी व्यवसायी ने बिजनेसमैन ने व्यवसाय में लगाई है, बिजनेस में लगाई है, वो क्या, बिजनेस के लिए एक लोन है। बिजनेस आगे चल के इसको किसको चुकाएगा, बिजनेसमैन को चुकाएगा। तो इसे कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। दूसरा क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग मतलब अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश निकालता है, या गुड्स निकालता है, या बिजनेस के कैश में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई एक्सपेंडिचर करता है, तो वो क्या माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा, आहरण माना जाएगा। तो ये किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, जैसे हम डेटर्स अकाउंट को ट्रीट करते हैं उसी तरह से ड्राइंग अकाउंट को भी ट्रीट किया जाएगा। तो ये दोनों किसको डिनोट करते हैं, ये दोनों अकाउंट बिजनेसमैन के पर्सनल अकाउंट को डिनोट करते हैं। मतलब बिजनेसमैन का खुद का नाम ना लिख के क्या लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा और ड्राइंग अकाउंट लिखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट लिखी जाएगी जो बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस में लगाई जा रही है, और ड्राइंग में, ड्राइंग अकाउंट में वो अमाउंट लिखी जाएगी जो बिजनेसमैन द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली जा रही है। तो इन दोनों अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे और बैलेंस कैसे लिखे जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या है, एक कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है जिसमें अप्रैल 1 में बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, यानी कि बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए लगा के क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इसको कैसे बंद करेंगे, उसी तरह से मार्च 30 को इसको क्या किया जाएगा, है ना, टोटल, पहले तो टोटल लगा दिया जाएगा। तो क्रेडिट साइड इसका कितना टोटल है, 2 लाख रुपए है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो इसको अप्रैल 30 को इसे मंथ एंड में 30 अप्रैल को इसको कहां ले जाया जाएगा, बंद करके आगे ले जाया जाएगा, ठीक है ना, 2024 को कैसे टू बैलेंस सीडी इसे क्लोज कर दिया गया। अमाउंट क्या लिखी जाएगी, वही 2 लाख रुपीस दोनों साइड का टोटल मिल गया, और इसे नेक्स्ट मंथ के शुरू में यानी कि मई 1 में इसे आगे बाय बैलेंस बीडी करके ले जाया जाएगा, ठीक है, कितनी अमाउंट, 2 लाख रुपए। तो यानी कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से ही हम ड्राइंग अकाउंट को देख लेते हैं, हमारे पास ड्राइंग अकाउंट दिया हुआ है, तो इसमें क्या ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, 20 अप्रैल को टू कैश अकाउंट 10,000, यानी 20 अप्रैल को बिजनेसमैन द्वारा 10,000 रुपए कैश निकाले गए, और इसी डेट को टू परचेज अकाउंट 4,000, यानी इसी डेट को बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस से माल निकाला है, गुड्स निकाला है। तो पहले टोटल कर देंगे कितना हो जाएगा, 14,000 इसका टोटल हो गया, और इसे बंद कर देंगे इसी मंथ के एंड में अप्रैल 20 को बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। अमाउंट में कितना आएगा, 14,000 टोटल लग गया, और इसी 14,000 को इस बैलेंस सीडी को ही आगे मई 1 को नेक्स्ट मंथ की शुरू की डेट में इसे क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना, नया अकाउंट, नया बैलेंस ले जाया जाएगा, कितना, 14,000।
जो ड्राइंग अकाउंट है इसका बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक डेट अप्रैल 20 बोली थी, ये कौन सी डेट है, 30 अप्रैल को एंड ऑफ द मंथ क्या किया जाएगा, अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और बैलेंस को आगे ले जाया जाएगा। तो ये डेट क्या है, 30 अप्रैल है। देख लीजिए दोनों को, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे कुछ एक रियल अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं वो देखेंगे, और नॉमिनल अकाउंट को किस तरह से क्लोज किया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाएगा, उसके जो अमाउंट है, बैलेंसेस है, उनको कहाँ ले जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ले जाया जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं कि रियल अकाउंट्स को की क्लोजिंग और बैलेंसिंग किस तरह से की जाती है। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जो बिजनेस की कैश और असेट से रिलेटेड होते हैं, इन्हें वास्तविक खाते कहा जाता है, यानी कि व्यवसाय की जो नकद और संपत्तियां होती है वो किस में आती है, वास्तविक खाते खातों में आती है। तो ये मेरे पास एक कैश अकाउंट का फॉर्मेट है, कैश अकाउंट की डिटेल दी हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं। कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड जो भी रिसीप्ट होती है, बिजनेस में जो भी प्राप्तियां होती हैं, उसको किस साइड दिखाया जाता है, डेबिट साइड दिखाया जाता है, और बिजनेस द्वारा जो भी पेमेंट होते हैं, भुगतान किए जाते हैं, उन्हें क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो एक बार अपन देख लें, 2024 को अप्रैल 1 में कैपिटल अकाउंट से रिसीव हुए 2 लाख, सेल से रिसीव हुए 40,000, में डेट नहीं पड़ रही, ठीक है ना, और टू हीरो लिमिटेड से हमें रिसीव हुए 8,850, और सेल्स से हमें कितने रिसीव हुए हैं 12,000, है ना, डेट भी दी हुई है। तो डेबिट साइड हमें ये रिसीप्ट्स हुई है, क्रेडिट साइड क्या पेमेंट किए गए हैं, फर्नीचर खरीदा गया है 3 अप्रैल को 20,000 का, 5 अप्रैल को परचेज की गई है 50,000 की, 14 को विशाल को पेमेंट किया गया है 19,000 का, 20 को क्या किया गया, बिजनेसमैन द्वारा ड्राइंग है ना, कैश निकाली गई है 10,000 की, 21 को मोहन को पेमेंट किया गया 7,800 का, 30 अप्रैल को रेंट पे किया गया 2,000 का, और 30 अप्रैल को ही सैलरी पे की गई है 4,000 की। तो ये हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट दिए हुए। अब हम टोटल कर लेंगे, तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल किया गया तो कितना आया है, ये आया है 2,60,850 का डेबिट साइड का टोटल है, और ये क्रेडिट साइड की जो हमने टोटल की है तो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल है मेरे पास 1,12,800 का, ठीक है ना, 1,12,800 क्रेडिट साइड की अमाउंट की टोटल बैठ रही है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमने ये किया तो 1,48,050 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, यानी डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट साइड क्या है, अमाउंट कम है। तो नेचुरली जितना बिजनेस के पास पैसा होगा उसी में से ही खर्च किया जाएगा, जितनी रिसीप्ट हुई है उन्हीं में से क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। तो जनरली रियल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो जो ये डिफरेंस अमाउंट है इसे कहाँ लिख दिया जाएगा, क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा, बाय बैलेंस सीडी करके, है ना, एंड ऑफ द मंथ कितनी अमाउंट आ रही है डिफरेंस, 1,48,050 रुपीज का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब क्या हो गया, दोनों साइड का टोटल मिल गया कितना, 2,60,850 है, ठीक है ना। मैं नोटिफिकेशन में भी लिख लूंगी अमाउंट, बोर्ड से क्या है कई बार क्लियर नहीं दिखती है, तो मैं अमाउंट जो है वो नोटिफिकेशन में भी लिख लेती हूँ। इसका इक्वल होना चाहिए, ये दोनों ना इक्वल तरफ लिखने चाहिए, 2,60,850। अब दोनों साइड का टोटल मिल गया, अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के 1st डेट को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, मई 1 को टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कितनी, जो ये डिफरेंस अमाउंट आई है 1,48,050 रुपीस, ठीक है ना। ये क्या है, यानी कि अब हमारा मई 1 को हमारे पास बिजनेस के पास कितना कैश अवेलेबल है, 1,48,050 रुपीस का बिजनेस में क्या है, कैश अवेलेबल है, कौन सी डेट को, मई 1 को। देख लीजिए कैश अकाउंट को,
एक बार नॉमिनल अकाउंट्स को भी देख लेते हैं, इनकी क्लोजिंग और बैलेंसिंग कैसे की जाएगी। तो जनरली नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग और बैलेंसिंग नहीं की जाती, बैलेंस नहीं निकाले जाते इनको। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो इनका जो बैलेंस आएगा इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये मेरे सामने परचेज और सेल्स अकाउंट दिया हुआ है। परचेज और सेल्स अकाउंट क्या है? बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंडिचर अकाउंट है। और सेल्स अकाउंट क्या है? इनकम अकाउंट है, ठीक है ना। सेल्स से क्या होती है, जब भी माल बेचा जाता है तो बिजनेस को इनकम होती है, और माल खरीदा जाता है तो इसे क्या माना जाता है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो डिटेल क्या दी हुई है, डेबिट साइड दिया हुआ है परचेज अकाउंट के। तो परचेज अकाउंट का हमेशा क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, और सेल्स अकाउंट का क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकम्स क्या होती है, इनकम्स क्रेडिट की जाती है और जो एक्सपेंडिचर है उनको डेबिट किया जाता है। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड दिया हुआ है, 1 अप्रैल 5th को कैश परचेज की गई है 50,000, फिर 8 अप्रैल को टू विशाल अकाउंट दिया गया, यानी विशाल से माल खरीदा गया, फिर 8 अप्रैल को ही मोहन टू मोहन लिखा हुआ है, यानी 16,000 मोहन से माल खरीदा गया, और 28 को टू पवन ब्रदर्स से 24,000 का माल खरीदा गया। इधर क्रेडिट साइड क्या दिया हुआ है, 20 अप्रैल को बाय ड्राइंग अकाउंट 4,000, यानी कि बिजनेसमैन द्वारा 4,000 का माल निकाला गया है। तो सिंपल यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल 1,15,000 लगा दिया गया है, क्रेडिट साइड का टोटल नहीं लगाया गया है। तो जब भी बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंट खोले जाएंगे तो इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, परचेज अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसी तरह सेल्स अकाउंट दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में दी हुई है अमाउंट, अप्रैल 15 को बाय कैश अकाउंट 40,000, यानी कि 40,000 का माल नकद बेचा गया है, फिर 18 अप्रैल को बाय हीरो लिमिटेड 7,000 का माल क्रेडिट सेल्स किया गया है, फिर 25 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट 12,000 का माल क्या किया गया है, क्रेडिट सेल्स की गई है, ठीक है ना। तो ये 79,000 के टोटल लगा दिए गए, इनकी क्लोजिंग और बैलेंसिंग नहीं की जाएगी। तो ये दो वो अकाउंट है जिनको किसमें ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ना। नोट करना, परचेज और सेल को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरह दो नॉमिनल अकाउंट और है, एक रेंट अकाउंट है और एक कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। तो रेंट अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग की गई है अप्रैल 30 अप्रैल को टू कैश अकाउंट 2,000, तो मतलब कि रेंट पे किया गया, ठीक है ना। रेंट क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंडिचर्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। तो इनकम का क्या रहेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। और ये है एक्सपेंडिचर, रेंट अकाउंट। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है और इसका डेबिट बैलेंस रहेगा। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड में दो एंट्रीज है, 14 अप्रैल को बाय विशाल 1,000 और 21 अप्रैल को बाय मोहन 200, यानी विशाल से हमें 1,000 का डिस्काउंट मिला है और मोहन से हमें कितने का मिला है, 200 का डिस्काउंट मिला है। तो ये दोनों नॉमिनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो हमने सब तरह के अकाउंट्स को क्लोज करना और उनके बैलेंसेस निकालना देखा। जनरली पर्सनल अकाउंट जो है, जो पर्सनल और रियल अकाउंट है, उन्हीं को ही बंद किया जाता है, उन्हीं के बैलेंसेस निकाले जाते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट है, हमने उनके बैलेंसेस नहीं निकाले जाते, इन्हें कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।